नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आइए करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपेंद्र का ये कहना है कि बड़ौदा चुनाव आते ही सरपंचों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके फोन टेप कराए जा रहे हैं। दीपेंद्र गोहाना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रजिस्ट्री घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र का ये कहना है कि मौजूदा वक्त में हर वर्ग दुखी है, किसानों की हालत दयनीय हो चुकी है। बात है कि मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात तो दूर की बात है, इन्होंने 6 साल में किसी स्कूल में, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में किसी स्कूल में कमरा भी बनाने का काम नहीं किया। आज जब गरज आई लोगों से, तो सारी सरकार को लोगों के बीच में उतारने का ये काम ये लोग कर रहे हैं। इससे ये चुनाव, ये सरकार और सरकारी तंत्र बनाम बड़ौदा की जनता का भी चुनाव है। आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जो हमारे संज्ञान में आ रही है, और मैं इस बात को लेके चेतावनी देता हूँ, सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सरकार बहुत से जो सरपंच हैं उन पर दबाव बना रही है, जो बात बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन भी टैप किए जा रहे हैं कि भाई जो है, भाई किससे बात कर रहा है, कहाँ कितने किसके बात कर रहा है, तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप हैं। तो इस तरह के सरकारी तंत्र का प्रयोग करने से इनको सफलता नहीं मिलेगी। जितना ये इस तरीके से, ये स्वाभिमान इलाका है, जितना ये हमारे इलाके को इस तरीके से निशाने पे लेंगे, उतनी बड़ी हार का मुँह मैं मानता हूँ इस सरकार को बड़ौदा के अंदर देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई ये चुन लोगों ने मन बना लिया है, लोग फैसला करेंगे, और जिस दिन नतीजा आएगा, बड़ौदा चुनाव का जिस दिन नतीजा आएगा, वो नतीजा प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेगा। और उसी दिन, जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का नतीजा आएगा, उस दिन इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पूरी खरीद में किसान की कितनी किसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो आपके सामने है। सारी फसलों का जो भाव, जो वृद्धि हमारे समय में होती थी, चाहे गेहूँ है, धान है, गन्ना है, इस सरकार में पिछले 6 साल में ना तो वृद्धि हुई, कहा कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मगर आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, खर्चे दुगने हो गए। आज दुनिया में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल आज हिंदुस्तान में है, आपके सामने है। खाद महंगा हो गया, किसान के खर्चे दुगने हो गए, भाव बढ़ाया नहीं, खरीद में विराजमाटी, आज किसान की दुर्दशा, किसान को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, ऐसे गरीब आदमी, सारी स्कीम बंद हो गरीब आदमी की, पूरी खुली तौर से सारे मंत्री अपने अपने महकमों में, जिसका जो दाव पड़ रहा है, एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है, कभी शराब का घोटाला पूरे देश में, हरियाणा शर्मसार हुआ इतना बड़ा घोटाला सामने आया, कभी धान के घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, तो कभी खनन का घोटाला सामने आ रहा है, सारी जो है भिवानी से लेकर और यमुनानगर तक, सारे मंत्री सबके अपनी पार्टनरशिप चल रही है, किस तरीके से खनन घोटाला खुला चल रहा है। गुड़गांव में मेट्रो का कभी रूट बदला, जो इनके खुद के विधायक, जो पिछले विधायक थे उमेश अग्रवाल, उन्होंने वो बात उठाई कि इतना बड़ा घोटाला, कई हजार करोड़ का घोटाला गुड़गांव के अंदर, मेट्रो का रूट बदला, चाहे गुड़गांव में ग्वाल पहाड़ी की जो है वो घोटाला हो, और अब इस पूरी श्रेणी में जो रजिस्ट्री घोटाला है, वो रजिस्ट्री घोटाला जिसमें ये कहा गया कि बड़े मंत्री तक इन्वॉल्व हैं, मतलब कोरोना में जहाँ पूरा देश कोरोना बचाने में लगा हुआ था, वहाँ हरियाणा प्रदेश की सरकार शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले जैसे घोटालों के माध्यम से प्रदेश की भोली वाली जनता को लूटने में लगी हुई थी। इधर हरियाणा के बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का विरोध लगातार जारी है। यमुनानगर में एक विरोध की एक अलग ही तस्वीर सामने आई। पीटीआई टीचर छोले भटूरे, चाय और नींबू पानी की रेहड़ी लगाते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि उनकी नौकरी छीन ली गई है, जिसके बाद भुखमरी का संकट छाने लगा है। पीड़े ना तो किसी मार्केट की है और ना ही मंडी की। नजारा यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर का है, और ये वो पीटीआई शिक्षक हैं
जो बहाली की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीने से धरने पर है। विरोध का नया तरीका अपनाते हुए इन शिक्षकों ने जिला सचिवालय के बाहर रेहड़ियां लगाई। किसी ने चाय, किसी ने नींबू पानी, तो किसी ने फल बेचकर अपना विरोध जताया। मेरा नाम उषा पीटीआई है, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पे एक ये सरकार के प्रति रोष है हमारा, क्योंकि ये गुरु जो होते हैं, अध्यापक जो है, गुरु का परमात्मा का दर्जा दिया इनको कि, लेकिन इस कट्टर सरकार ने हमें यहाँ पे रेडी लगाने के लिए मजबूर कर दिया। 1983 पीटीआईयों को बाहर निकाल के सिर्फ कोर्ट का बहाना बनाया है कि कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट ने बाहर करा है, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो सरकार सिर्फ ने झूठी आश्वासन दे रही है, बाकी और कुछ नहीं है सर। पीटीआई बहाली की मांग पर अड़े हैं तो कई संगठन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रदीप सरीन ने अपनी पूरी टीम के साथ क्रमिक अनशन स्थल पहुंचकर अध्यापकों का समर्थन किया और सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। 1983 बर्खास्त पीटीआई है और यहां रेडी लगाने की नौबत क्यों लगी? क्योंकि सरकार ना हमारी बात सुनने को तैयार है, ना हमारी बात मानने को तैयार है और ना हमें कोई रिलीफ देने को तैयार है। तो अब बच्चे भूखे हैं घर में, 2 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली, नौकरी से निकाल दिया, तो अब बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के समय 1983 पीटीआई की भर्ती हुई थी, लेकिन गड़बड़ी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियां रद्द कर दी है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वही साइबर सिटी गुरुग्राम में होम बायर्स को राहत देने के लिए जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार सभी विभागों के अधिकारियों की हस्त में मौजूदगी देखने को मिली। वहीं इस दौरान करीब 192 सोसाइटी के लोगों ने अपनी समस्याएं यहां पर रखी। ये तस्वीरें गुरुग्राम में लगे उस जनता दरबार की है जहां बायर्स अपनी परेशानी लेकर पहुंचे थे। बायर्स में गुस्सा इस बात का है कि बिल्डर लगातार मनमानी करते हैं और इन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। बिल्डर्स की मनमानी से परेशान लोगों ने अपनी बात रखी। अधिकांश लोग ऐसे थे जो करोड़ों रुपए दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपना आशियाना नहीं मिला। वहीं कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो लोगों को फ्लैट तो दे चुके हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर समस्याओं की भरमार है। मीटर ही इम्पोर्टेंट लिंक है जिसके कारण के सारी सोसाइटीज को सफर करना पड़ रहा है। टीडीआर पॉलिसी सरकार अभी लेकर आई है कि 24 मीटर के ऊपर टीडीआर सर्टिफिकेट देंगे और सीएम साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि टीडीआर सर्टिफिकेट को बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वे आउट निकाल सकते हैं वो निकालें। सीएम साहब की ये भी डायरेक्शन है कि 24 मीटर की सड़कों के ऊपर जो पैचेस लेफ्ट आउट हैं उसको मार्केट अवेलेबिलिटी के साथ, मार्केट रेट्स के हिसाब से देखा जाए। कोई जमींदार अपनी जमीन 1 एकड़ 24 मीटर में तब देगा जब उसको 1 एकड़ की कीमत के बराबर कुछ मिले, तो वो टीडीआर सर्टिफिकेट को एट पार लाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और हम भी काफी डिस्कशंस इस पर कर चुके हैं विधायक जी के साथ भी, और जल्द ही उसका सलूशन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी रेकमेंड होकर जल्द करवा। इन बायर्स को रोजाना समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। गुरुग्राम में अधिकतर सोसाइटी ऐसी है जहाँ बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा से विधायक राकेश दौलताबाद भी इस दौरान दरबार में मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी हर समस्या का हल किया जाएगा। विधायक जी, इसके अलावा पालम विहार और कुछ सेक्टर्स आपके एरिया में आते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी समस्या है, सड़कें नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, क्या उसको लेकर भी ऐसा प्लेटफॉर्म में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ गड्ढे रह गए? सी ब्लॉक में देखिए आप, पालम विहार, हाँ पालम विहार सी ब्लॉक, सी में कौन सी रोड? अंदर इंटरनल रोड जाएंगे, कौन सी रोड है सी में? अब बहुत सारी रोड है, एक तो नहीं, सी ब्लॉक में दो पार्क जो है, दोनों पार्कों में से कौन से वाले पार, जो रेलवे प्लेटफॉर्म जा रहा है एक ही रोड की थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है, वो कौन सी है जो फाटक को कनेक्ट करती है, ठीक है, और अदरवाइज पूरे पालम विहार के अंदर एनसीबी ने रोड का काम जो है बहुत ही बेहतरीन किया हुआ है। वहीं सभी अधिकारियों ने ये भी लोगों से वादा किया है कि जो बिल्डर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
5 अगस्त को भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने वाला है। तमाम साधु संतों के साथ पीएम मोदी भी भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। यमुनानगर की सरस्वती नदी से भी जल और मिट्टी अयोध्या जाएगी, जिसका इस्तेमाल भूमि पूजन में किया जाएगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त 2020 ये आने वाली वो तारीख है जो इतिहास के पन्ने पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। इसी तारीख को 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम मोदी इसी दिन भूमि पूजन करेंगे। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में देश की सभी पवित्र नदियों का जल और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए यमुनानगर की सरस्वती नदी का जल भी अयोध्या जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिस दिन भूमि पूजन श्री राम लला के भव्य मंदिर का होगा, उस भव्य मंदिर के भूमि पूजन में सभी पवित्र स्थानों से जल मिट्टी जाकर उस मंदिर में स्थापित हो, उस निमित्त ही आज हथनी कुंड के इस पावन धरती से जमुना जी का जल लेकर संतों की अगुवाई में श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या में जाएंगे, ताकि 5 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम में इस पवित्र जल को भी सम्मिलित किया जा सके। यमुनानगर में आदि बद्री तीर्थ स्थल और सरस्वती उद्गम स्थल से साधु संतों ने जल लिया है, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। इसी के मद्देनजर हथनी कुंड बैराज में पहुंचे सैकड़ों साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यमुना की पूजा अर्चना की। साथ ही विधि विधान और मंत्रोच्चार के बाद यमुना का पवित्र जल लिया। अब ये जल साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में अयोध्या पहुंचाया जाएगा। देश की कई पीढ़ियां राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रही थी, जो अब साकार होने वाला है। देशवासियों को अब बस उस पल का इंतजार है, जब अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं भवानी खेड़ा विधानसभा के चांग गांव में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। इस बार ड्रॉ में अनारक्षित जाति की महिला सरपंच के लिए नाम आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। हिसार लोकसभा से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और भवानी खेड़ा विधानसभा के विधायक विशंभर सिंह बाल्मीकि के क्षेत्र गांव चांग में करीब 9000 मतदाता और 22000 के करीब जनसंख्या है। गांव एससी बाहुल्य है। वर्तमान सरपंच सामान्य जाति के देवेंद्र कालरा है। अब की बार पंचायत चुनाव के ड्रॉ में अनारक्षित जाति की महिला सरपंच का नाम आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ग्रामीणों से वर्तमान सरपंच के कार्यकाल पर बातचीत की। ग्रामीणों से जाना कि गांव में मुख्य समस्याएं क्या है। अधिकतर ग्रामीण सरपंच देवेंद्र कालरा और उनकी पंचायत के कार्यकाल को ठीक बता रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत ने गांव में अधिकतर गलियां पक्की करवा दी हैं। गांव जगमग योजना में होने से बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो गई है, तो वहीं ग्रामीण अभी भी गांव में पेयजल, नालियों के गंदे पानी और बरसाती पानी की निकासी, सफाई व्यवस्था की मुख्य समस्या से परेशान है। गली निर्माण का बढ़िया है, काम होया है, कई गली बनी है, बढ़िया काम होया है। पेयजल की बात करें, पेयजल भी ठीक है, कोई अच्छी वो नहीं है, दुरुस्त। परली तरफ गीता भवन की तरफ पानी अब भी 15 दिन में आ रहा है। वायदे एक तो बिजली का किया था उन्होंने, 24 घंटे बिजली का हो गया, वायदा पूरा हो गया। एक गांव में सड़कें गई थी, सड़कें पूरी हो चुकी हैं, लगभग पूरी हो गई, एक आधी सड़क रह चुकी होगी गाँव में, गली बाकी लगभग सारी पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सरपंच देवेंद्र कालरा का दावा है कि उन्होंने गांव की लगभग 175 गलियां पक्की करवाई है। स्कूलों और कॉलोनियों में पानी की टंकी बनवाई गई है। गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के साथ अनेकों काम करवाए। हालांकि उन्होंने माना कि गांव में गंदे पानी और बरसात के पानी की निकासी की समस्या है, साथ ही पेयजल की समस्या को लेकर जिला प्रशासन, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। हमने गांव में वादे किए थे कि हर गांव की गली को पक्का करवाएं, करवाने का काम करेंगे। लगभग 250 के आसपास गलियां हमने पक्की करवा दी हैं और ऐसी ऐसी गलियां करवाई हैं जो आज तक कभी गांव में बनी भी नहीं थी। उसके साथ साथ हमने सभी शमशान घाटों का काम किया,
उसके अंदर की दीवार और बाहर की अंदर सड़कें सड़कें सारे हर शमशान घाट का काम भी पूरा कर दिया। और एक हमने पंचायत का जो पारा था नहीं उसका भी हमने पूरा तैयार करके चार दीवारी में उसको भी तैयार कर दिया। अब जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में देखना होगा कि चांग गांव के लोग अपना विश्वास किस पर जताते हैं। भवानी खेड़ा से नफे सिंह बिब्बा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। वही यमुनानगर के जगाधरी वर्कशॉप रेलवे कॉलोनी में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। रेलवे कॉलोनी का एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो वायरल हुआ है जिसे बुलेट बाइक सवार तीन युवक रात के वक्त में रेलवे क्वार्टर में रहने वाले पर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना से रेलवे क्वार्टर में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ये इलाका यमुनानगर के थाना फर्कपुर एरिया का है जहां पर बाइक सवार घर में पत्थर फेंक कर गायब हो गए। इस संबंध में थाना फर्कपुर प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी। जो आप ये बता रहे हो वीडियो के बारे में, ये आपसे ही मुझे इसकी जानकारी मिली है। इस संबंध में हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, ना ही कोई हमारे पास किसी से कुछ सूचना ऐसी आई है। इधर नीलोखेड़ी के आज जेहड़ी गांव के दो गुटों में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई। आपको ये बताया कि कृष्ण नाम का एक युवक अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया था तो वहां पर तीन से चार युवक शराब पी रहे थे और किसी बात पर उनका विवाद हुआ। उन्होंने कृष्ण को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद अस्पताल जाते वक्त करीब 40-50 लोगों ने डंडे और हथियारों से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें पांच युवकों को काफी चोटें आई हैं। वहीं थाना बुटाना पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से नाराज होकर घायलों के परिजन एसपी करनाल से मिलने पहुंचे और न्याय की गुहार उन्होंने लगाई। तो दो पक्षों में खूनी संघर्ष और इसमें पांच लोग के घायल होने की खबर। दीपू नाम का लड़का और राजेंद्र और एक सेक्की और एक विशाल, इन चारों ने बैठे हुए वहाँ पे दारू पी रहे थे। दो तीन जने इनके साथ बाहर के थे, उनको हम जानते नहीं। तो कृष्ण नाम के लड़के, मेरे चाचा का लड़का है, जो उसके साथ मारपीट की उन्होंने। तो सवेरे जैसे हम पूछने के लिए गए क्या हुआ क्या नहीं, तो ये प्रेम लड़का बैठा है किसके साथ, हाथ तपाई किसकी टांग में चक्कू मार दिया। तो ये लेके सब घर वाले इनको लेके हॉस्पिटल में आ गए थे जीनी लुपड़ी। और उसके आने के बाद वहाँ पे 30-35 लड़के आए और उसके साथ में था सेक्की, दीपू और विशाल, ये चार पांच आदमी उसके साथ में थे। 40-45 आदमी हैं जिनको हम जानते नहीं, बाहर के थे। उन्होंने आके हम बैठे थे दुकान पे तो मारपीट शुरू कर दी और हमारे को चोट लगी। ये कल दिन में कृष्ण सा खेत में गया था खाद बोने के लिए, तो वहाँ चार पांच व्यक्ति बैठे थे अरजाड़ी के, इनकी वहाँ कहा सुनी हुई है। तो कहा सुने के बाद इनका आज सवेरे झगड़ा हो गया। इस झगड़े में चार पांच को चोटें आई हैं, जो ये अहिरिया जाति से संबंध रखते हैं और दूसरा पक्ष जो रोड बिरादरी से है। झगड़े में चार पांच को चोटें आई हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? इनकी स्टेटमेंट धर्मवीर की ले ली है, FIR। वहीं इलाहाबाद के SGC नहर की बहरवाला खुद टेल पर पिछले काफी दिनों से चल रहा ग्रामीणों का धरना खत्म हो गया है। इन गांव के किसान लंबे वक्त से टेल पर पानी पहुंचाने की मांग करते आ रहे थे। किसानों का ये कहना था कि इस नहर पर पीछे ओवरसाइज मोकिया लगी होने की वजह से टेल पर पानी नहीं पहुंचता और इसी के मद्देनजर किसानों द्वारा पिछले साल के सीजन में भी लगातार 3 महीने तक टेल पर धरना दिया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। वहीं भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा देने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ इंडिया से MOU साइन किया गया। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने 30 लाख रुपए विश्वविद्यालय को इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए अनुदान दिया है। इसका काम विश्वविद्यालय में रोजगार परक शिक्षा देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करना है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में इस बात की जानकारी दी है।
शिक्षा के क्षेत्र में 6 वर्ष पहले लगाई गई एक पौध आज वट वृक्ष का रूप लेती जा रही है। बात कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की। जी हाँ, संसाधन भले ही सीमित हों लेकिन जिस कदर रोजगार पर कोशिश शुरू किए गए हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में काबिले तारीफ कहा जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर आर के मित्तल जी हमारे साथ हैं, विश्वविद्यालय के VC हैं और लगातार अगर बात की जाए विभिन्न कोर्सेज की चाहे बात करें विभिन्न नए नए आयाम स्थापित किए गए। सर 7वां जो है वो अब स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं, नए कोर्सेज की अगर बात करें किस तरह के नए कोर्सेज अब शुरू किए जाएंगे? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हमारी सोच यही है कि जितने भी यहाँ से विद्यार्थी पढ़कर जाएं उनको उनको रोज़गार मिलने में कोई दिक्कत ना हो, उनको जो शिक्षा दी जाए वो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो और उनको आगे अपने कैरियर को बढ़ाने में सहायक हो। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस साल हमने 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं हम, उसमें जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 30-30 सीटें होंगी। इसके साथ साथ जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में और डिप्लोमा इन जिम्स एंड एरोबिक्स में होगा और डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में होगा, ये 3 डिप्लोमा भी हम इसके साथ साथ शुरू कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न ये रहेगा, अभी हमने जो एकेडमिक काउंसिल हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमारे डिस्कशन के दौरान यही एक निकला कि कोविड के बाद से जो परिवेक्ष है या जो बिजनेस करने का तरीका है, रहने का तरीका है, ये सब कुछ बदलने जा रहा है। इस बदलते परिवेक्ष में हमें कुछ और तरह के कुछ कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे, इसके लिए हम अभी से तैयारी करना हमने शुरू कर दिया है। आगे आने वाले 2-3 महीने में हम काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन करके कुछ छोटे छोटे कोर्सेज यहाँ पर शुरू करने की कोशिश करेंगे, जिनको हम आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज आदि कह सकते हो, जिससे कि करने के बाद विद्यार्थी को नौकरी मिलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज्ञान बड़ी जल्दी से बदल रहा है और उस बदलते ज्ञान के दृष्टि से बच्चे को अपने आप को तैयार करना ये बहुत आवश्यक है। विश्वविद्यालय इसमें अपनी भूमिका अवश्य निभाएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वो भी इस विश्वविद्यालय के द्वारा करवाए जा रहे हैं, करवाए जाएंगे। 33 कोर्सेज पूरे अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए वो यहाँ पर शुरू किए गए हैं, चाहे PhD की बात करें या फिर दूसरे रोजगार पर कोर्सेज की बात करें। बहरहाल शिक्षा का जो मोटिव है, शिक्षा का जो उद्देश्य है कि अच्छा नागरिक बनाया जा सके और साथ ही साथ रोजगार चाहे उपलब्ध करवाए जाने की बात हो, सोशल चाहे बच्चों को वो चीज़ बताई जाने की बात हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं और आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय और इस तरह के कोर्सेज शुरू करेगा। 5 विषयों की अगर बात करें, 3 विषयों में जो है 5 वर्षीय कोर्स भी शुरू किया गया, MSc कोर्स शुरू किया गया है, वो विश्वविद्यालय के द्वारा नई पहल की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और हरियाणा विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।